सिंगरौली के नए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि जिले में अधूरे पड़े निर्माण कार्य जल्द पूरे होंगे। प्रशासन को जो भी शिकायतें मिले उन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता COVID-19 है, इससे भी सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कलेक्टर सभागार में मीडिया से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना संक्रमण से मुकाबला करना है। जिले में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में प्रदूषण एवं विस्थापन, बेरोजगारी जैसे मसलों को हल करने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा लोगों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। हमारी सभी की जो प्रायोरिटी है कि कोरोना को हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और उससे लड़ने के लिए जो अपनी जो जरूरतें हैं उनको किस तरीके से विकसित कर सकते हैं जिससे यहाँ जिले में कोई भी फर्दर कोई केसेस ना आए, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है कि जो प्रवासी जो हमारे जिले के निवासी थे जो वापस आए हैं उनको किस तरीके से रोजगार के माध्यम हम उपलब्ध करा सकते हैं, ये हमारे लिए भी जो प्राथमिकता विषय रहेगा। और जो भी शासन के निर्देश दिशा निर्देश आते हैं, स्कीम योजनाएं होती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से बेहतर हो, ये सारी जो हमारी इस जिले के लिए प्राथमिकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।